लखनऊ कैंट में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और हमारे संवाददाता राजेश सोनी ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया और लोगों से भी बातचीत की है। देश की 11 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसी को लेकर के राजधानी लखनऊ की कैंट सीट में भी उपचुनाव चल रहा है और कहीं ना कहीं 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पर जो लोग वोट करने आए हैं, इन्होंने अभी अपने मतदान का प्रयोग किया है। पहला मतदान इनके द्वारा किया गया है। किन किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान किया है? देखा गया है विकास एक तरफ रहता है, कहीं ना कहीं पार्टी और चेहरा देखकर लोग मतदान करते हैं, आपने क्या देख करके मतदान किया? इस बार हमने पार्टी को देखकर किया है और विकास के लिए हमने जो मतदान किया है वो विकास के लिए, विकास के मुद्दे पर। जी, विकास के मुद्दे पर। देखा जाता है कि तमाम पार्टियों को देख करके लोग जो है वोट करते हैं, आपने क्या देख करके वोट किया है? वो विकास को लेकर के है, विकास को लेकर। तो बिल्कुल वोटिंग यहां पर जारी है। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज ये पोलिंग बूथ है जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक यहाँ पर मतदान किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर के पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और इसी के साथ ही लोकल पुलिस भी यहां पर तैनात की गई है। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के पूरी तरीके से चाक चौबंद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं। और इसी को लेकर के जिस तरीके से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सीट रही है और 2017 में यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी यहां से विधायक रही हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ राजेश सोनी, R9 TV लखनऊ।